अमृतसर पैलेस सोसाइटी का एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। 12 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति गार्ड को 10 सेकंड के भीतर लगातार जो है वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोसाइटी में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे और उसके खिलाफ जो है गार्ड ने कंप्लेन भी किया था। अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है, गार्ड का मेडिकल कराया गया है और उसके बाद अब जो है सोसाइटी में रहने वाले जिस व्यक्ति ने गार्ड के ऊपर हाथ उठाई थी, जो कि इसी सोसाइटी के डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 338 में रहता था, अब उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल अभी जो हालात है उसमें वो व्यक्ति यहाँ से फरार है, वो घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश लगातार दे रही है लेकिन अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो गार्ड हैं वो शाम में जब अपना काम कर रहे थे तब जो है इस पूरे जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। कहानी ये बताई जा रही है कि जब वो व्यक्ति इस फ्लैट में अंदर जा रहे थे ब्लॉक में, तो नए शिफ्ट किए थे और गार्ड ने उनसे ये पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसी बात पे वो भड़क गया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, और इसके बाद जो व्यक्ति थे उन्होंने गार्ड के ऊपर ताबड़तोड़ थप्पड़ की बरसात कर दी और गार्ड को जो है बहुत बुरी तरीके से मारा। इसके बाद गार्ड ने पुलिस में जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराई, उनका मेडिकल कराया गया और अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस जो है उस फरार व्यक्ति की तलाश कर रही है। अब तफ्तीश जो है वो लगातार पुलिस कर रही है, दबिश डाल रही है और अब जो है वो व्यक्ति जल्द से जल्द मिले, यहाँ के लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं।